नमस्कार, इस वक्त हम हैं इंदौर की चोइथराम फल और सब्जी मंडी में, जहां लगातार जो लहसुन की आवक है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति है। चूंकि पिछले दिनों लहसुन के दाम लगातार बढ़े थे, उसके बाद अब क्या कुछ स्थिति है, व्यापारी हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ स्थिति लहसुन के दाम को लेकर देखने मिल रही है। क्या नाम है सबसे पहले? नाम मेरा नाम विजय पड़िया। विजय भाई, व्यापारी हैं, किस तरह की स्थिति लहसुन के व्यापार में देख रहे हैं? लहसुन में तेजी का माहौल बना हुआ है, अच्छे माल नहीं है, हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं। नीचे में माल बिक रहा है 5,000 रुपए, ऊंचे में बिक रहा है 17,000 साढ़े 17,000। को बॉक्स पैकिंग माल अच्छा हो तो 20-19,000 भी बिक जाता है। अच्छा, लहसुन की स्थिति अभी हम क्या देख रहे हैं, किस तरह की आवक हमारे पास है और आने वाले दिनों में क्या संभावना बन रही है? आवक तो अभी कम है, सभी तेजी का माहौल है तो किसानों ने रोक के रखा है। अभी आवक ज्यादा बढ़ने का प्रेशर नहीं और मांग भी कहीं ज्यादा नहीं है भाव टाइट होने के कारण। और यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में जो दाम चल रहे हैं, क्या लगता है पिछले दिनों से अभी कितना अंतर आया और आने वाले दिनों में कितना अंतर देख पा रहे हैं? पिछले हफ्ते से तो पूरा 10 रुपए की तेजी है, 10 रुपए किलो की तेजी है, 1,000 रुपए कुंटल के ऊपर तेजी है। आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा बारिश होगी तो और तेजी की संभावना है। अच्छा, तेजी की संभावना है। यदि बात करें किस क्वालिटी का माल आ रहा है, चूंकि उत्पादन में आपको असर पड़ा होगा, बारिश का असर पड़ा होगा, मौसम बिगड़ा उसका असर दिख रहा है? हाँ, मौसम पड़ा उसका असर तो है, पूरा काला लहसुन ज्यादा आ रहा है इस बार और दात्रा टाइप का आ रहा है। अच्छा, फिनिशिंग वाला लहसुन बहुत कम है इस बार, सब दूर ही है। ये स्थिति है। यदि बात करें तो लहसुन ने अब की बार रिकॉर्ड तोड़ दाम हासिल किए हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में भी रिकॉर्ड बना रहेगा या फिर रिकॉर्ड टूट सकता है? रिकॉर्ड टूट सकता है, अभी क्या बीज की मांग निकलेगी, बारिश होगी तो बारिश में किसानों के लिए बीज लगाने के लिए भी माल चाहिएगा, तो इसलिए तेजी आ सकती है। और डिमांड किस तरह के लहसुन की हम देख पा रहे हैं अभी? डिमांड तो तेजी है, बाजार तेजी रहेंगे। ऐसे भी जानकारियां निकल रही है कि किसानों ने कुछ लहसुन जो है अपने पास रख लिया है, चूंकि अब दाम कम मिल रहे हैं, इस कारण से स्टॉक किसानों ने कर लिया है। क्या लगता है ऐसी स्थिति में कितना असर दाम पर इसका पड़ेगा? पड़ेगा 50% का असर पड़ेगा। किसान आराम से निकाल रहा, किसी को कम भाव में बेचने के लिए तैयार नहीं है किसी भी किसान। ना व्यापारियों के पास स्टॉक है, इतने महंगे के कारण व्यापारियों के पास स्टॉक नहीं है, सब माल किसानों के पास है। अच्छा, तो उसका असर जो है अब देखने मिलेगा आने वाले? हाँ, देखने को मिलेगा उसका असर। चलिए, निश्चित तौर पे तो व्यापारी थे जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि लहसुन का जो दाम है उसमें आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने मिल सकती है। चूंकि यदि बात करें तो लहसुन के जो दाम है वो लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति में है, कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं, ऐसे में अब लहसुन के दाम आने वाले समय में किस तरह के रहते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। इंदौर की चोइथराम फल सब्जी मंडी से नमन मटके।